बेस्ट फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन जो मिलता था वो धनी उदकटी अर्जुन अवार्ड ही है ये। उसके बाद अचानक उन्होंने एक और नया अवार्ड डाल दिया, राजीव गांधी खेल रत्न। अब अर्जुन अवार्ड के ऊपर एक और खेल दे दिया और वो भी एक पॉलिटिशियन के नाम पे। कोई भी पॉलिटिशियन, ये नहीं कि आप तो राजीव जी का नाम है इसलिए हम ऐसा बुरा कर, नहीं, किसी भी पॉलिटिशियन का नाम हो तो वो अजीब अटपटा लगता है कि एक अर्जुन अवार्ड है जिसको आपने 30 साल तक उसकी बड़ी प्रशंसा की और बड़ा मुश्किल से अवार्ड को लेना, उसके बाद आपने एक राजनेता के नाम पैसा लगा दिया। अब ये होड़ लग गई, हमें ये अवार्ड मिले, हमें अर्जुन अवार्ड मिले क्योंकि ज्यादा उसमें पैसा था और एक जो इंस्पिरेशन थी वो ज्यादा पैसे की तरफ थी, अवार्ड की तरफ कम थी क्योंकि अवार्ड वैसे ही डिवैल्यू हो गया था। मेरा ज्यादा ख्याल है ये मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो होगा, अगर इसमें गवर्नमेंट सुधार करे और कहे जी इसमें पैसा नहीं होगा, सिर्फ स्टैच्यू होगा जैसे ऑस्कर है और हर आदमी को नहीं मिलेगा, हर प्लेयर को नहीं मिलेगा, इसकी सर्टन बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशन होनी चाहिए ताकि जब जिसको मिले वो ये बता सके और हम दुनिया में याद रखें भारतवासी जो स्पोर्ट्स के चाहने वाले उनको पता यार ये इसको ध्यानचंद अवार्ड मिला था, ये कुछ तो होगा उस तरीके से इसका स्टेटस और बढ़ेगा। मगर जैसे आपने कहा नाम बहुत बड़ी चीज है, ध्यानचंद का नाम जो है वो हॉकी में, हॉकी को जिंदा रखने में उस स्पोर्ट में बहुत अहम रोल करता है। भारत के वो प्लेयर थे ही, भारत की शान थे उस वक्त के हॉकी के। मगर जैसे मैंने आपको दोबारा कहा और दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 50 साल तक या 60 साल तक किसी प्लेयर को याद रखना बड़ा मुश्किल है जी हरपाल जी आपको मिलने, मगर इस ध्यानचंद को अभी तक याद रखा जा रहा है। 36 के ओलंपिक से लेके आज तक देख लीजिए कितने साल हो गए, 100 साल होने वाले हैं आपको ध्यानचंद याद है। आपको जो भी बातें 36 के बाद जब भी ओलंपिक हुआ आपको ध्यानचंद याद है, आपको ये याद है कि उन्होंने क्या किया, दद्दा ने क्या किया था, उसकी अच्छा कई बार फैंटेसी बनी है, कई फोकलोर बनी है, कोई सही थी कोई झूठी थी कोई सच्ची थी, मगर एक बात है उसके नाम पे बनी है, उसकी तारीफ में बनी है, तो कुछ तो बात है। हस्ती निमिटी नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन तोरे जहां हमारा, कुछ तो बात ही उनमें जिसमें जिसकी वजह से आज हम इतनी बातें कर रहे हैं। देखिए इस प्लेयर को इस लेवल पे आने पे बड़ा मुश्किल होता है और उसका नाम भी, अब देखिए कोई अगर वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते, बड़े कोई मिनिस्टर होते, कोई नेता होते तब तो ठीक है जी उनके और बाकी लोग उनका नाम जीवित सकते हो, उनका कोई नहीं, उनके बेटे हैं जो खिलाड़ी हैं, अदरवाइज ही इज नॉट ए रिच पर्सन। मगर 70-100 साल तक अभी भी अगर उनको याद किया जाता है तो कुछ तो है। मेरे ख्याल भारत सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया और जिसने भी कदम लिया उसके बधाई के पात्र हैं। और मखे और इस अवार्ड की जैसे आपने कहा बहुत ही इज्जत शान बढ़ गई है और जो प्लेयर लेगा जिन खिलाड़ियों को मिलेगा इसका स्टेटस ऊंचा रखना चाहिए, स्टैंडर्ड बड़ा टफ होने चाहिए, हर आदमी को नहीं मिलना चाहिए, इट शुड नॉट बी इट शुड बी गिवन टू ओनली 1% एट ए टाइम एट ए 1 ईयर। और कई बार अगर नहीं दे सकते तो इसको इतना वैल्यूएबल बनाए कि हर प्लेयर की ये क्रेविंग हो कि हमें ध्यानचंद अवार्ड चाहिए, पैसा हो या ना हो इसकी इतनी महत्व, क्योंकि उस बंदे का नाम उसने बहुत रोशन किया है और उस अवार्ड से और जो लेगा उसका नाम भी रोशन होगा, इतना मैं कहना चाहता हूँ जी। हरपाल सिंह जी एक और यहाँ पर मैं एंगल पे बात करना चाहूंगा, क्या हम इसे एक नए दौर की शुरुआत कहें देश में हॉकी की, जिस तरह से भारतीय पुरुष हॉकी ने 41 साल बाद पदक जीता, भारतीय महिला हॉकी ने शानदार प्रदर्शन किया, वो चौथे नंबर पर रहने में कामयाब रही इन टोक्यो ओलंपिक्स में, और अब देश के सबसे बड़े अवार्ड का नाम एक हॉकी खिलाड़ी, हालांकि वो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें अक्रॉस द स्पोर्ट सब लोग मानते हैं, लेकिन क्या हम ये मान लें कि एक सही दिशा में बढ़ रहे हैं खासकर हॉकी की जब हम बात की जाए और एक नए युग की शुरुआत हो रही है? ये जो आपने अवार्ड के बारे में कहा ना इसकी तो बहुत मायने है और आपने बहुत अच्छा कहा कि अक्रॉस द बोर्ड है, जब ध्यानचंद अवार्ड सिर्फ हॉकी प्लेयर को नहीं मिलेगा, किसी को भी मिलेगा, बॉक्सर को मिलेगा, रेसलर को मिलेगा, और जो वो लेगा कहेगा ये मेरे पास ध्यानचंद अवार्ड है, उसको ध्यानचंद की याद भी आएगी कौन था ध्यानचंद, ये सही ध्यानचंद, मुझे उस बंदे के नाम का जो अवार्ड है वो मिला है। इसीलिए लोग गवर्नमेंट होते हैं जब कहते हैं मुझे ऑस्कर मिला है, मुझे ये मिला है, ऐसे बड़े बड़े अवार्ड को इतना है। रहा हॉकी की, देखिए हॉकी हमारी परंपरा है, हमारी नेशनल गेम है, हमारी इमोशनल अटैचमेंट है। हाँ इस टूर्नामेंट में अगर एक बार, मेरा अपना विचार है, बाकी जो लड़कियों ने किया है, लड़कों से तो उम्मीद थी भाई कब करोगे कब नहीं आएगा आ क्यों नहीं रहा, ये हम कहते तंग आ जाते, करो यार कुछ तो करो अवार्ड मेडल तो लाओ, मगर जो लड़कियों ने किया है वो ऐतिहासिक है। इतिहास का वर्ड हम इतना यूज करते हैं आसानी से, उसका मिसयूज हो गया, मगर वाकई ऐतिहासिक जीत थी लड़कियों की जो ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हराया।
और ये ऐसी जीत नहीं थी कि आपने लास्ट मिनट में गोल कर दे, कई बार होते ना कमजोर जैसी टीम भी होती है और लास्ट मिनट में गोल कर देती है अचानक, कई हुआ है, बड़े बड़े अपसेट होते हैं क्योंकि दूसरी टीम को मौका नहीं मिलता। नहीं, यहाँ पर 22वें मिनट पे गुरजीत सिंह ने गुरजीत कौर ने फोन गोल किया था और 38 मिनट तक भारतीय टीम ने उसको डिफेंड किया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इनको 10 पेनल्टी का नंबर। तो ये एक ऐसी ऐतिहासिक जीत थी और जिस तरीके से बाहर में वो सेमीफाइनल खेली और यहाँ आज जो चौथे प्लेस पे, आज का जो मैच है इसमें अमेजिंग है कि इस इंग्लैंड इसी ग्रेट ब्रिटेन ने भारत को 4-1 से हराया था लीग मैच में पिछले हफ्ते, इसी टूर्नामेंट में जब अपना पूल ए में मैच हुआ था तो 4-1 से हराया था। आज उस ग्रेट ब्रिटेन की टीम को उसके लाले पड़ गए थे जीतने के, ये ग्रेट ब्रिटेन की टीम 2016 में रियो में जीती थी जहां पर भारत की हॉकी टीम कोई मैच नहीं जीत सकती थी। तो फर्क तो है, और लड़कियों का आना वापस, लड़कियों में दम, मैं पुरुषों को कम नहीं आपको कहूँ मगर पुरुषों का ये आदत थी, उससे लोगों की बड़ी उम्मीदें थी, लड़कियों से किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मेरा ख्याल नहीं है किसी ने ऑस्ट्रेलिया का मैच भी देखा होगा क्योंकि किसी को नहीं पता था ये जीतेंगी, मगर आज सारा हिंदुस्तान उनका मैच देख रहा था तो उन्होंने भारतीय महिला हॉकी को नया आयाम दिया है इसी लड़कियों का सलूक, और 2-0 से पिछड़ने के बाद 3-2 की लीड लेना वो अलग बात है, हार गया, हार जीत तो इज ए पार्ट ऑफ द गेम, और उसमें भी मैं बधाई दूंगा ग्रेट ब्रिटेन की, दे प्लेड वेरी वेल, दे डोमिनेटेड है सेकंड हाफ, प्लेयर होने का मनाते हैं जर्नलिस्ट होने के रात को आपको ये मानना पड़ेगा कि ब्रिटेन प्लेड वेल एंड दे डिजर्व टू विन, और हमारी लड़कियों ने बहुत अच्छा खेला, एक बड़ा जबरदस्त कांटे का मुकाबला हुआ जिसमें हॉकी का प्रोफाइल बड़ा ऊंचा हुआ जी, बिल्कुल, और प्रोफाइल होने ऊंचा होने से आई बॉल बड़े, करोड़ों लोगों ने मैच देखा, सब भारतीय चाहते थे कि भारत जीते, वो तो हर आदमी की तमन्ना है, मगर एंड में अगर आपको तारीफ करनी पड़ेगी ब्रिटेन की तारीफ ही कीजिए, उन्होंने बड़ा अच्छा खेला। तो मेरे ख्याल लड़कियों का जो प्रदर्शन था वो ऐतिहासिक था, लड़कों ने 41 साल के बाद वो जो सूखा था उसको खत्म किया, करना जी, था जी, उसको करना चाहिए था, बधाई हो दोनों टीमों को। बिल्कुल हरपाल सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस खबर पर हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बातें हमारे साथ शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और आगे बढ़ते हैं खबरों में, टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल के दावेदार माने जा रहे भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने पुरुषों की 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। बजरंग ने क्वार्टर फाइनल में ईरान के पहलवानों को चारों खाने चित कर दिया। सेमीफाइनल में बजरंग का मुकाबला अजरबैजान के पहलवान के साथ होगा। और टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय गोल्फर अदिति अशोक भारत के लिए एक बड़ा इतिहास रचने की कगार पर पहुंच गई हैं। आज तीसरा राउंड खत्म होने के बाद ये 23 साल की युवा गोल्फर दूसरे स्थान पर हैं, वहीं अमेरिका की कोल्डा नेली पहले नंबर पर हैं और भारतीय खिलाड़ी उनसे सिर्फ 3 स्ट्रोक ही पीछे चल रही हैं। जहां कोल्डा के स्ट्रोक्स की संख्या जो उनका स्कोर है -15 है, तो वहीं अदिति अशोक -12 के साथ दूसरे नंबर पर चल रही हैं। चौथे और आखिरी राउंड का खेल कल सुबह 6:30 बजे से शुरू होगा और अदिति अशोक स्वर्ण पदक की रेस में बनी हुई हैं। अगर वो पहले नंबर पर रहती हैं तो व्यक्तिगत स्पर्धा में अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक होगा। किसी ने भी नहीं सोचा था कि अदिति ऐसा हैरतअंगेज प्रदर्शन करेंगी, लेकिन उन्होंने सभी को चौंका दिया है। रियो ओलंपिक्स में भी उन्होंने हिस्सा लिया था, वहां भी शुरुआत उन्होंने अच्छी की थी, हालांकि बाद में वो पिछड़ गई थी, लेकिन अब तीसरे राउंड के बाद तक वो दूसरे नंबर पर बनी हुई है और केवल 1 राउंड का खेल बाकी है। और एक बार फिर से अपने सभी दर्शकों को बता दें कि एक बड़ी खबर जो आ जाई है कि जो खेल रत्न अवार्ड है, जो खेलों का सबसे बड़ा सम्मान किसी भी खिलाड़ी को दिया जाता है, अब उसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड होगा। ध्यानचंद जी के नाम पर इस अवार्ड का नाम करने का फैसला किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है, खबरें जो आपको दे नया नजरिया।
खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर खबर हटकर, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 और शाम 5:30 सिर्फ डीडी न्यूज पर। सही, सटीक, स्पष्ट और विश्वसनीय खबरों के लिए डीडी न्यूज देश का सबसे भरोसेमंद टेलीविजन न्यूज चैनल। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट के सर्वे के अनुसार लोगों का लोक प्रसारक पर सर्वाधिक भरोसा। डीडी न्यूज सबसे ही विश्वसनीय और रिलायबल चैनल है, इसमें कोई भी किसी तरह की कमर्शियलाइजेशन नहीं है। दूरदर्शन जो है वो आपको सिर्फ न्यूज बताता है, तोड़ मरोड़ करके आपको कोई भी न्यूज प्रेजेंट नहीं की जाती है। दूरदर्शन है एक जो रिलीवेंट न्यूज दिखाता है। इस मुकाम के लिए सभी दर्शकों का धन्यवाद। भारत का विश्वास डीडी न्यूज के साथ। हर दिन बदलती दुनिया, हर पल बनती नई खबरें, खबरें जिनसे सरोकार है आपको, खबरें जो रोज जगाती हैं आपको ताजा और वास्तविक समाचारों से। दिन की सही शुरुआत डीडी न्यूज के साथ नया सवेरा, सोमवार से शुक्रवार 8:00 सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, जरी इंडिया, निहाओ, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत। मई इंडिया, नहनु हुनूर, इंडिया, मा हिंदी हस्ती, मुंग हिंदिया, सलाम हिंदुस्तान, वी आर इंडिया। कोरोना से बचाव के उपाय, आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें, हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं, 60% अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क से चेहरे को ढककर रखें,
छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। प्रयोग किए गए टिश्यू को तुरंत कूड़ेदान में डालें। सामाजिक आयोजनों और भीड़भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम, मैं हूं रजनी सिंह। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सभी की नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 9.5% रहने का जताया अनुमान। द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा नीति में नीतिगत ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव, रेपो रेट 4% पर बरकरार। विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी नहीं चली संसद, दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। हंगामे के बीच कराधान विधि संशोधन विधेयक और केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा खेल रत्न पुरस्कार। प्रधानमंत्री ने कहा, हॉकी के प्रति प्यार और देशवासियों के आग्रह पर लिया गया फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे देश भर के व्यापार और वाणिज्यिक क्षेत्र के हितधारकों और विदेशों में भारतीय मिशन के प्रमुखों से संवाद। पीएम मोदी लोकल गोज ग्लोबल, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड का करेंगे आह्वान। भारत में कोविड टीकाकरण की दिशा में एक और कीर्तिमान, अब तक 49,53,00,000 से अधिक लोगों को दी गई वैक्सीन। टोक्यो ओलंपिक में पदक से सिर्फ एक कदम दूर पहलवान बजरंग पुनिया, क्वार्टर फाइनल में ईरान के पहलवान को चटाई धूल। भारतीय महिला हॉकी टीम ब्रिटेन से 3-4 से हार कर कांस्य पदक से चूकी। और भारत और इंग्लैंड के बीच नॉटिंघम में खेले जा रहे पहले टेस्ट में दूसरे दिन का खेल बारिश के कारण बाधित। तीसरे दिन आज 4 विकेट के नुकसान पर 125 रन से आगे खेलेगी टीम इंडिया। और सबसे पहले बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। तो खेल के मैदान से एक अच्छी खबर, भारत में खेलों के सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न का नाम अब हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट किया, देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। जय हिंद। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, अब खेल रत्न पुरस्कार जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम से जाना जाएगा। और इलाहाबाद में पैदा हुए ध्यानचंद जी को खेल जगत की दुनिया में दद्दा कहकर बुलाते हैं। ध्यानचंद के जन्मदिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 16 साल की उम्र में ध्यानचंद भारतीय सेना के साथ जुड़े, इसके बाद से ही उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया। ध्यानचंद को हॉकी का इतना जुनून था कि वे काफी देर तक अभ्यास किया करते थे। वे चांद निकलने तक हॉकी का अभ्यास करते रहते, इसी वजह से उनके साथी खिलाड़ी उन्हें चांद कहने लगे थे। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स में वे भारत की ओर से सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। उन खेलों में ध्यानचंद ने 14 गोल किए। एक अखबार ने लिखा था, ये हॉकी नहीं बल्कि जादू था और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय खेल जगत के लिए एक स्वर्णिम पल है
और एक महान खिलाड़ी को एक बड़ा सम्मान मिला है। खेल रत्न पुरस्कार अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। हॉकी के जादूगर कहलाते हैं मेजर ध्यानचंद। उनके स्वर्णिम योगदान ने हॉकी को एक नए मैार पर पहुंचाया है भारत में। तो खेल जगत के लिए बेहद खुशी का पल है, भारतीय खेल प्रेमियों के लिए बेहद खुशी का पल है, हॉकी के चाहने वालों के लिए खुशी का पल है। जो लोग हॉकी से जुड़े हुए हैं वे जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद ने भारतीय हॉकी को जो दिया है, विश्व हॉकी को जो दिया है, वो अपने आप में अतुलनीय है। और निश्चित रूप पर खेल रत्न पुरस्कार अब उनके नाम से जाना जाएगा, उनके नाम से ये पुरस्कार जुड़ गया है। अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है इस खिलाड़ी के लिए और देश के लिए। हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए दिग्गज हॉकी प्लेयर जफर इकबाल जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता नारायण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जफर इकबाल जी, पहले आपके पास आना चाहेंगे, इन दिनों जो भारतीय हॉकी कर रही है, भारतीय हॉकी खिलाड़ी जो देश के लिए कर रहे हैं, उसके इतर जो ये सम्मान मेजर ध्यानचंद जी को दिया गया है और हॉकी के साथ जब उनका नाम जुड़ गया है, खेल रत्न पुरस्कार के साथ उनका नाम जुड़ गया है, अपने आप में भारतीय खेल के चाहने वालों के लिए एक बड़ा पल है ये। हाँ, बहुत खुशी की बात है कि ध्यानचंद साहब को एक बार फिर उस स्तर पे जाना जाएगा, क्योंकि मेजर ध्यानचंद साहब को पूरी दुनिया जानती है, उनकी जादूगरी हॉकी में बहुत बोलबाला रखती है और अभी भी मैं समझता हूँ कि उनका बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान की के अंदर और देशों में भी उनके नाम से सड़कें भी मौजूद हैं उनके नाम पे। जी, उनके नाम पे सड़कें भी मौजूद हैं जर्मनी के अंदर है, न्यूजीलैंड के अंदर, और ये बड़ा भारी सम्मान है सब खिलाड़ियों का और ख़ास तौर पर हम लोग जो हॉकी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ध्यानचंद साहब ने 3 स्वर्ण पदक जीता है हॉकी के क्षेत्र में और 3 ओलंपिक्स उन्होंने ही जीते हैं शुरू के, तो मैं समझता हूँ कि जितनी उनके कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से मेजर ध्यानचंद साहब को ये ऑनर दिया गया है। अब जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाएगा, जो हम लोग के को बहुत खुशी है और गर्व की बात है कि यस, ध्यानचंद साहब के बर्थडे पे भी स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ध्यानचंद साहब का जो है सम्मान हम लोगों को करना चाहिए और बहुत खुशी की बात है। सब लोग मैं समझता हूँ कि अब इत्तेफाक रखते हैं कि यस, ऐसा होना चाहिए था पहले और ये कर दिखाया सरकार ने। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का बहुत ही बड़ा एक निर्णय है और ये बताता है कि खेल के प्रति उनको बहुत दिलचस्पी है और उनको बहुत गहराई से समझते हैं और इसीलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया है। जी, निश्चित तौर पर, और एक बड़ी खबर है ये खेल जगत के लिए, बड़ा पल है खेल प्रेमियों के लिए। और बात करें तो मेजर ध्यानचंद भारत की सबसे महान और लोकप्रिय खेल हस्ती हैं। अनुराग ठाकुर केंद्रीय खेल मंत्री ने भी इस पर ट्वीट किया है, अपना संदेश दिया है खेल प्रेमियों के लिए। उन्होंने लिखा है, मेजर ध्यानचंद भारत की सबसे महान और लोकप्रिय खेल हस्ती हैं। ये एकदम सही है कि भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान का नाम उनके नाम पर रखा जाए। उनके जीवन और उनकी उपलब्धियों ने देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की कई पीढ़ियों को प्रेरणा दी है। मेजर ध्यानचंद भारत की सबसे महान और लोकप्रिय खेल हस्ती हैं। तो ये ट्वीट किया है केंद्रीय खेल मंत्री ने। खेल रत्न पुरस्कार अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, जो इसमें हॉकी के जादूगर का नाम भी जुड़ गया है। जफर जी, आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे। भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में जिस तरीके से खेली है, ध्यानचंद जी ने हॉकी को जिस स्वर्णिम युग से रूबरू कराया था, जिस मैार पर पहुंचाया था, कुछ दशकों बाद उसकी जो चमक थी वो थोड़ी फीकी हुई थी, कहीं ना कहीं हम भटके थे अपनी राह से, लेकिन एक बार फिर से जो ये युवा हॉकी टीम है, नई हॉकी टीम है, एक बार फिर से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है सही दिशा में। बिल्कुल सही आपने कहा, मगर ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि एक देश जो है इतने लंबे अरसे तक यानी उस मुकाम को बराबर नहीं रख सकता, हमेशा वो जीत नहीं सकता। और
शुरू में तो आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग 1956 तक जीतते रहे, 6 स्वर्ण पदक उस टाइम पे जीत लिया था, फिर रजत पदक जीता, फिर टोक्यो 1964 में भी स्वर्ण पदक जीता और 1980 में भी जीता। तो उसके बाद तो एक थोड़ी सी झुकाव आती है, झुकाव होता है हर खेल के अंदर, हर देश के अंदर। जफर इकबाल जी, आपको यहाँ थोड़ा रोकना चाह रहे हैं, हमारे साथ अंजू बॉबी जॉर्ज भी जुड़ गई हैं और भारतीय खेल जगत का वो भी एक बड़ा नाम है, उनसे जानना चाहेंगे कि इस पल को वो किस तरीके से देखती हैं जब भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार में हॉकी के जादूगर का नाम जुड़ गया है। आई एम रियली हैप्पी टू हियर द न्यूज बिकॉज दिस इज द राइट टाइम, वी गॉट ब्रॉन्ज आफ्टर 41 इयर्स फॉर हॉकी एंड हॉकी वी आर कंसीडरिंग इट एज आवर नेशनल गेम। And see, and Dhyan Chand, he is a legend, and so I think this is the right time to name the Khel Ratna Award in his name, and I think it should be like that because athletes and stadiums and awards, it should be our legend's name than in someone else's name. बिल्कुल, और हमारी भारतीय हॉकी टीम ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य जीता, लेकिन लड़कियां कांस्य से चूक गईं, लेकिन जिस तरीके का आला दर्जे का खेल दिखाया है अंजू बॉबी जॉर्ज, ना केवल भारतीय खेलों के लिए, अगर भारतीय लड़कियों की बात करूं, आप भी एक बड़ी प्रेरणा रही हैं इन लड़कियों के लिए, इन लड़कियों का आगे आना पूरे देश की लड़कियों के लिए एक बड़े गौरव की बात है। Really, actually, our Indian women hockey team, they played really well against England. And from nowhere, last Olympics they were nowhere, but till now they are in the fourth position. I think they can, by next Olympics they can come in the best of three and they can get a medal. And they played really well. It was like from the heart they played, and we can see that. And see, yesterday we got the bronze, and it was a victory feeling. But today we lost, and I think each one of us. There was some feeling in our hearts, like some sad feeling. And it's good to see that our Indian women athletes are doing great in the international arena and bringing laurels for our country. बिल्कुल अंजू बॉबी जॉर्ज, अगर इन खिलाड़ियों की बात करें तो बहुत कई पिछड़े तबके से हैं और बहुत गरीबी से बढ़कर ये लड़कियां आगे आई हैं, लेकिन लग रहा था जब मैदान पर उतरी थी, जैसा कि ध्यानचंद प्रेरित करते हैं खिलाड़ियों को, नंगे पैर भी खेले थे ध्यानचंद, इन लड़कियों की भी प्रेरणा वही रहे कि कुछ भी मुश्किल आए रुकना नहीं है। See, they are from very humble background, and see, from the childhood itself, they are struggling to, and they are fighting for their existence. So that fire is inside them. So nothing can stop them, and they are playing for our nation. That pride is there inside. So that's why they are playing like legends, and they proved it today that we can do that. Our Indian women having that power to win the world. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंजू बॉबी जॉर्ज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खेल जो देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, उसके नाम के साथ अब हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी का नाम जुड़ गया है। जफर इकबाल जी और रवि दहिया इसके बारे में क्या कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। रवि दहिया हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर। रवि, कितना बड़ा पल है ये भारतीय खेलों के लिए? देखो जी, काफी अच्छी चीज है ये, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी ने ये फैसला किया, ये बहुत बड़ा फैसला है। और देखो, एक ध्यानचंद इतना अच्छा खिलाड़ी था और उसके नाम पे अवार्ड कर देना, ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है। जी रवि, रवि आपने भी देश का सर जो है वो गर्व से ऊपर उठा दिया है। तमाम मुश्किलें, तमाम संघर्ष एक खिलाड़ी के सामने आते हैं, ध्यानचंद भी उसी प्रेरणा को आगे बढ़ाते रहते कि कितनी भी मुश्किल हो हमें आगे नहीं रुकना चाहिए। जब आप जैसा खिलाड़ी तमाम संघर्षों के बाद इतने बड़े मंच पर मौजूद होता है तो क्या चल रहा होता है उसके दिल के भीतर? देखो जी, एक खिलाड़ी होता है जी, वो उसको हर चीज एडजस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि देखो इतना बड़ा टूर्नामेंट है, या फिर इतने सारे खिलाड़ी आते हैं और सब अपने देश के लिए खेलने के लिए आते हैं, और ये इतना बड़ा मंच होता है, तो इसमें बस यही चलता रहता है कि हम जब जा रहे हैं तो अपने देश का नाम लेके ही जा रहे हैं, और वहां पे जाके अपने देश का नाम रोशन करना है, और हम कोशिश करें कि हमारा तिरंगा सबसे ऊपर हो और हमारा देश का राष्ट्रगान बजे, यही सोच के आते हैं, और इसी को सोच के हम सुबह शाम प्रैक्टिस भी करते हैं और दिन भर यही रहता है दिमाग में।
बिल्कुल रवि, आपको लग रहा है पूरे देश में खेलों को लेकर माहौल बहुत ज्यादा उम्मीद से भरा हो गया है? अगर आपकी बात करें तो आप जिस तरीके से खेले, हर बच्चा आज आपकी बात कर रहा है, आप भारत के पोस्टर बॉय हो गए हैं, कैसा लगता है इस सफलता के बाद? आगे क्या सोचते हैं, अपने पदक को देखकर कैसा लगता है? देखो जी, काफी अच्छा लगता है, हमने इसके लिए काफी तैयारी करी थी, पर देखो खुश हैं इस चीज से कि हमें सिल्वर मेडल मिला है, पर संतुष्ट नहीं, क्योंकि देखो हम किस टारगेट को लेकर चले थे कि हमने ये सोचा था कि हमें देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है, हम थोड़ा चूक गए, शायद हमें कुछ कमी थी जो रह गई, आगे हम यार ध्यान रखेंगे कि मतलब उन पे और ज्यादा काम करें, ये गोल्ड मेडल जीते अगली बार जी। रवि, अगर आपके खेल की बात करें, जब आपका प्रतिद्वंदी जिसने आपको बुरी तरीके से घायल करने की भी कोशिश की, लेकिन आप दिमाग से बेहद शांत लग रहे थे, किस तरीके की मानसिक ट्रेनिंग आपने की है, क्योंकि आप पूरे ही मैच में कहीं पर भी विचलित नजर नहीं आ रहे थे? देखो मैम, इतना बड़ा टूर्नामेंट है, उसके लिए बहुत सारा तैयार करना होता है, हर चीज करना होता है, हमारा गेम इतना बड़ा नहीं होता कि हम इतना सोचे समझने का, तो बस यही होता कि मतलब इतना कम समय मिला उसमें ज्यादा से ज्यादा दिमाग को यूज करके ज्यादा से ज्यादा मतलब बिल्कुल हर चीज को होती है ना, उसके लिए हमको तैयार रहना पड़ता, तो बस यही था शुरू से ही कि हमें जीतना है और देश का नाम रोशन करना है, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी हो जाए, हमें अपने देश का नाम रोशन करना है, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार थे जी। रवि, पूरे देश के बच्चे, पूरे देश के युवा आपको देख रहे हैं, जो आने वाले ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कुछ भी चीज ऐसी है नहीं है कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी वही हैं और जो विदेश में इतने से मेडल जीत रहे हैं ये भी यही है, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हम अगली बार हम और ज्यादा मेडल लेके जाएं और अपने पहले 10 में, फिर 5 में और फिर सबसे ऊपर आए और कोशिश करें कि मतलब जो दिल से करें और अच्छा करें, देश का नाम रोशन करें। और जो लड़कियों ने किया रवि, क्योंकि लड़कियां बहुत अच्छा इस पूरे ओलंपिक में उभर कर सामने आई हैं, और बाकी जो लड़कियां देश में वो भी देख रही हैं इन लड़कियों को, जिनके सामने तमाम संघर्ष, तमाम चुनौतियां हैं, किस तरीके से आप इन लड़कियों की उपलब्धियों को देखते हैं? बिल्कुल जी, देखो हमारा जो खेल था हॉकी, काफी कई सालों से हम बिल्कुल पिछड़े हुए थे, पर हमने अब ये दिखा दिया कि हम फिर वापिस आ गए हैं, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और जो मतलब हमारे खेल मंत्री जी हैं, पहले किरण रिजिजू थे, अभी अनुराग ठाकुर जी हैं, तो इन्होंने मतलब बहुत ज्यादा ध्यान दिया खेलों के ऊपर, और हमने ये दिखा दिया कि अब हम आ गए हैं और आगे हम और भी ज्यादा अच्छे होके आएंगे और अगली बार हम गोल्ड मेडल लेके जाएंगे जी। तो आपसे बात का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता नारायण भी जुड़े हुए हैं। नारायण, हॉकी के लिए स्वर्णिम पल, आज जब हॉकी के जादूगर का नाम देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार से जुड़ गया है, भारतीय हॉकी टीम बेहद शानदार प्रदर्शन कर रही है, निश्चित रूप से खेल जगत के लिए सुनहरी पल है। अगर बात करें तो जिस तरह से अब प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट से घोषणा की कि अब जो खेल, जो हमारे खेल पुरस्कार है, उनका नाम अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाएगा, तो ये बड़ी उपलब्धि है। और अगर बात करें तो नारायण, रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उनके साथ अगर बातचीत करें। रवि, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने देश का नाम एक सिल्वर जीत के रोशन किया और बहुत ही टफ बाउट था। रवि, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, जो आपका सेमीफाइनल बाउट था उसमें आप 2-9 से पीछे थे, तो उस समय क्या चला, उसके बाद आपके दिमाग में क्या चल रहा था, और क्या फिर आपने सोचा था कि क्या वो उसको आप कम बैक करोगे इतने बड़े स्टेज पर और इतने बड़े मार्जिन से पीछे होने के बाद? देखो जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जी देखो, हम गेम है ना, तो बस यही है, हम तो हर चीज में यही देखते हैं कि अगर हमारे पास समय बचा, अगर हमारे पास 100 सेकंड का भी 100 सेकंड बचा है, तो हम उसमें भी अपना ये सोचते हैं कि हम अपना 100% दे और जो होगा वो मालिक की मर्जी होगी। तो बस ये मेरे को यकीन था कि मैं हो सकता, देखो मैंने पहले भी कई बाउट हो चुकी मेरी पहले भी, जो मतलब इतना मैंने कवर किया आखिर में, तो मेरे मन में यही था कि मैं आखिरी सेकंड तक इतना जान लगानी है कि कुछ भी हो जाए उसके बाद मैं ये नहीं देखूंगा मैंने मतलब कितना क्या हुआ, पर मैं अपनी तरफ से बिल्कुल 100% देने के लिए तैयार था और मालिक का वो भी हुआ और मैं जीत गया और देश को एक मेडल दी। रवि, अगर आप देखें, अगर भारतीय खेल की बात करें, अभी भारतीय खेल में आप देखेंगे जिस तरह का प्रोत्साहन खिलाड़ियों को मिल रहा है, जिस तरह की फैसिलिटीज उनको मिल रही हैं, तो आप देखेंगे क्या रहेगा आपको, जिस टॉप स्कीम है खिलाड़ियों के लिए, किस प्रकार आपको लगती है कि मददगार है? देखो जी, काफी पहले से काफी फैसिलिटीज काफी बड़ी हुई है और जो फेडरेशन है अपनी अपने गेमों को काफी सपोर्ट कर रही है और उनका यही टारगेट होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा मतलब ओलंपिक गेम्स हैं, इसके बाद एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, इसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं हम, और यही है कि हम काफी इससे सही है, बहुत मदद कर रही है, इसी से मतलब काफी फायदा मिल रहा है और आगे जाके हम शायद बहुत टॉप कंट्रियों में हो जाएंगे।
तो रवि, अब आपने ओलंपिक जो खेलों में इससे बड़ा कुछ नहीं होता, वहाँ सिल्वर मेडल जीता, तो अगला कोशिश रहेगा कि मतलब आप अगली बार जब जाएं तो गोल्ड में इसको पूरी तरह से चेंज करने की कोशिश रहेगी आपकी? बिल्कुल जी, मैं तो देखो सच बताऊंगा, मेरा टारगेट तो यही पे भी गोल्ड मेडल था। शायद मेरे को मतलब बहुत कम यूथ जानते थे कि मतलब ये कुछ हो सकता, पर जो हमारी रेसलिंग फेडरेशन है और जो मतलब रेसलिंग से जुड़े हुए आदमी है उनको मेरे से बहुत ज्यादा भरोसा था और मेरे को खुद को अपने पे बहुत ज्यादा था कि मैं देखो देश के लिए जाऊँ जा रहा हूँ और गोल्ड मेडल जीत के आऊँ। खैर जो मतलब सिल्वर मिला है ये, इससे मैं खुश हूँ, तैयारी करेंगे और अगली बार गोल्ड मेडल। जी रवि, आपसे जानना चाहेंगे कि आप इतने बड़े मंच तक पहुंचे और देश के लिए आपने पदक जीता, अगर हम आपकी खुराक की बात करें, एक पहलवान के लिए खुराक बड़ी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आप क्या खाकर उतरे थे या क्या खुराक में आप लेते हैं? देखो जी, हमें हम शुरू से ही घर के आज का खाना काफी पसंद है, जो घर के माँ बनाती है वो, तो छोटे से ही थे तो जब से ही अपने घर से बाहर है तो कभी कभी जाते हैं तो घर से खा लेते हैं, नहीं तो दूध दही है ना जाते हैं, और जो रोटी सब्जी हम ये स्टेडियम में रहते जो छोटा सा स्टेडियम वही पे हमारा चीज का टेस्ट होता है जी, तो वही बस ठीक खाना पीना और बस। जी रवि, पिछले कुछ सालों में जो कुश्ती है वो एक बहुत बड़ी उम्मीद, हर विश्व मंच पर ओलंपिक खेलों में पदक की बड़ी उम्मीद के रूप में सामने आती है, आपको क्या लगता है ऐसा क्या बदलाव आया है, खासकर पहलवानों के भीतर की बात करें तो क्या बदलाव आया है कि उनको लगता है कि पदक अब आएगा ही और खासकर देश को? देखो जी, दो हजार जो टोक्यो ओलंपिक बीजिंग ओलंपिक थे उसमें सुशील कुमार का मेडल आया था 2008 में, और उस टाइम योगेश्वर दत्त भी काफी मेडल क्लोज थे, मतलब फिर वो बाउट हार गए, तो उसके बाद जी बताएं, आ रही है जी आवाज आ रही है, तो 2008 में टोक्यो मतलब बीजिंग ओलंपिक से हमारे मेडलों की शुरुआत हो गई थी, उसके बाद हमारी राय खुल गई, सुशील कुमार ने मेडल जीते 2008 में, 12 में हमारे दो मेडल जीते, तो उसके बाद हम टूर्नामेंट ज्यादा हमारी फेडरेशन से इन्होंने काफी मतलब अच्छे फैसले लिए और मतलब ज्यादा से ज्यादा के लिए उन्होंने हमारे बाहर जितने अच्छे अच्छे टूर्नामेंट खेले, थोड़ा बहुत कैंप उनके साथ विदेशी पलों तो उनके साथ हम करते हैं और टूर्नामेंट खेलते हैं, तो हमें ये टीम होता है वर्ल्ड चैंपियन, इसके साथ भी हम अच्छा कर रहे हैं तो हम भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। और सच बताऊं मैं इस रेसलिंग टीम में मैं कम से कम ये सोच रहा था मैं 4 या 5 हम रेसलिंग से मेडल लेके जाएंगे, पर ये शायद थोड़ा दुर्भाग्य लगा लिया कुछ भी हमारे दो रेसलर थे जो मिस हो गए, क्योंकि विनेश को पूरे देश को बहुत ज्यादा उम्मीद थी वो होगी, पर आप बदलना है सेमीफाइनल बाउट था अभी थोड़ी देर तो 100% और हम शायद कल गोल्ड मेडल भी जीतेंगे। ये बिल्कुल बजरंग पुनिया की हम बात करने जा रहे थे कि अब उनसे उम्मीद है बहुत ज्यादा, देश को किस तरीके से देखते हैं, एक पदक एक और भारत की झोली में आने वाला है। बिल्कुल जी बिल्कुल, और हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आज बजरंग सेमीफाइनल में जीत के और कल गोल्ड के लिए लड़े और कल गोल्ड मेडल जीते। जी रवि, अगर हम बात करें इन बड़े मैचों की, भारतीय खिलाड़ियों की मानसिक सेहत के बारे में भी बात होती है, उनके फोकस करने पर भी बात होती है, आपकी अगर बात करें बड़े मैच खेलने जब उतरते हैं, खासकर जब इस बड़े मंच पर उतरे, क्या दिमाग में चल रहा था, किस तरीके से फोकस कर रहे थे अपने आप को? देखो जी, हमने इसके लिए बहुत तैयारी की थी और बताए ना हर बात के लिए बस एक ही फोकस के साथ हम उतरे थे कि हमें देश का नाम रोशन करना है और हम अपने देश के लिए आए हैं और ऐसा करके जाना कि मतलब कुछ तो मतलब ये हो कि हाँ भाई इंडिया भी कुछ है, तो इसके लिए हम बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं और मतलब यही सोच के हम जब भी कोई मैच में उतरते हैं हम कोशिश करते हैं कि मतलब जितना भी अपने से बेस्ट हो उससे भी ज्यादा बेस्ट देने की हम कोशिश करते हैं। जी रवि, एक दौर था जब इस देश में हर बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन अब पूरी तरीके से परिदृश्य बदल गया है, अब बच्चे पहलवान भी बनना चाहते हैं, तीरंदाज भी बनना चाहते हैं, शूटर बनना चाहते हैं, आपको ये बदलाव कैसा लगता है? बिल्कुल जी, ये बहुत जरूरी है। देखो जो एक मैं ये नहीं कहता हूँ कि क्रिकेटर वो है, क्रिकेट भी एक अच्छा गेम है, पर मगर एक ओलंपिक लेवल पे हमें अगर हम देखते हैं ओलंपिक लेवल पे तो मतलब हम इतने थोड़े मेडल, इतना बड़ा देश है हमारा, तो अगर इस तरीके से अगर हमारी पहल होगी अभी तो 1-2 ओलंपिक के बाद हम काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे और मतलब अपना ओलंपिक्स में अपना मतलब बहुत आगे जाएंगे हम जी, तो ये बहुत अच्छी पहल है जी। और हरियाणा की अगर मिट्टी की बात करूं, उस मिट्टी में ऐसा क्या खास है कि वहां पर पहलवानों की एक पूरी नर्सरी तैयार हो रही है और देश के लिए पदक लेकर आ रही है? देखो जी, हरियाणा में कभी से रेसलिंग का काफी शौक रहा है, खाना पीना हमारा जो शुरू से ही मतलब ज्यादा तगड़ा होता है, स्टेट हो जाएगा हरियाणा पंजाब यूपी स्टेट है जो नॉर्थ में, तो इसमें काफी मतलब शुरुआत से ही गाँव से ही मतलब इतना कुश्ती में इतना वो है इंटरेस्ट आदमियों का, मतलब ये मतलब बोलते हैं कि भाई देखो शुरुआत में अगर
पढ़ ले भाई, नहीं पढ़ेगा तो तेरे को खाड़े में छोड़ देंगे, इस तरीके की बातें होती है जी। तो मतलब इतना इंटरेस्ट लेते हैं आदमी कि लड़का गिरता है, और रेसलिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जो मतलब इतना शुरुआत में इतने खर्चे डाइट का ही ज्यादा होता है जी। तो बाद मतलब जो तो वैसे यही कि गरीब आदमी होता है वो बहुत मेहनत करके खुश होता है, और रेसलिंग एक बहुत टफ गेम है, और इसमें अगर आदमी कोई भी है प्रैक्टिस करता है रेसलिंग के लिए तो तैयार हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे यूज ये कह सकते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा बहुत ही अच्छे रेसलर हैं, और आगे और भी ज्यादा हम पहुंचे निकलेंगे, और पूरा देश भी बहुत अच्छा कर रहा है जी। रवि हमारे साथ हमारे खेल संवाददाता गौरव और नारायण भी जुड़े हुए हैं, उनके मन में भी आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं जी। गौरव और नारायण अपने सवाल पूछिए। रवि अगर बात करें, रवि आपको बहुत बहुत पहले तो बधाई सिल्वर मेडल, जो बहुत कोशिश आपने किया, बहुत हमने साथ मिलकर के आपके देखी थी किस तरह की आप तैयारी करते थे सोनीपत में, और नाहरी गांव से लेकर के सोनीपत का सफर, और सोनीपत से फिर छत्रसाल का सफर, क्या कहेंगे? देखो जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। देखो जी एक खिलाड़ी है तो तैयारी तो देखो इतने बड़े वंश करने के लिए तो तैयार तो रहना पड़ता है, तो इसके लिए मैं जी बहुत सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने लोगों ने मेरे को बहुत ज्यादा मदद की है, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, देश ने सबने दुआ दी है, तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। नारायण रवि अगर बात करें जब आपने की जो फाइट थी, हमने जब विश्व चैंपियन खिलाड़ी आपके सामने आते हैं तो मानसिक जो मानसिक मजबूती है उसका कितना रोल है, मानसिक तरह से मजबूत रहने के लिए आप क्या क्या करते हैं? देखो जी अपनी ट्रेनिंग को पूरा फोकस करते हैं, कभी ये तो सोचते नहीं कि ये ओलंपिक चैंपियन है या वर्ल्ड चैंपियन है तो ये हारेगा, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि रेसलिंग है और हम अपना नहीं पता है, क्योंकि हम इनके साथ कभी से लड़ते आ रहे हैं, कभी जूनियर से सब जूनियर से, और मतलब ये कि कोई कभी ब्रॉन्ज कभी कोई सिल्वर कभी गोल्ड, तो मतलब अपना फोकस पूरा करके चलते हैं और ये सोच के जाते हैं कि हमें अपना 100% जी। तो हमारे साथ रवि दहिया बात कर रहे थे आज भारतीय खेलों के लिए बड़ा दिन है। आपकी जो फाइट थी जी, तो रवि दहिया ने ओलंपिक में हमारे लिए रजत पदक जीता है कुश्ती में, और आज एक बड़ा दिन है जब भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम से जुड़ गया है, अब ये पुरस्कार उनके नाम से जाना जाएगा, तो भारतीय हॉकी प्रेमियों के लिए खेल प्रेमियों के लिए बड़ा दिन है। और हमारे साथ रवि दहिया जुड़े हुए थे जो बातचीत कर रहे थे इस बड़ी खबर पर अपने पदक जीतने पर। हमारे साथ रवि फिर से जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला जारी है। गौरव और नारायण हमारे साथ हमारे खेल संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। रवि यहां से आप भारतीय खेलों भारतीय कुश्ती का भविष्य कैसे आगे जाते हुए देखते हैं? देखो जी अब कुश्ती है तो हम तो सच में बहुत मिस्टेक होगी, जैसे विनेश फोगाट है, कल एक दीपक पुनिया था जो एक बिल्कुल आखिरी 5 सेकंड में लूज हो गया, तो मतलब कुछ हाँ शायद कुछ कमी थी हमारे में रह गई, आगे हम कोशिश करेंगे कि अगले टोक्यो इसमें पेरिस में हम और भी ज्यादा मेडल जीते और गोल्ड मेडल जीते जी। नारायण आपके पास सवाल है रवि के लिए। रवि बिल्कुल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर हमारे प्रधानमंत्री हैं जो किसी भी खिलाड़ी की उपलब्धि पर उनको ट्वीट करते हैं उनको मिलते, तो इसका कितना आपको प्रोत्साहन मिलता है, कितना आपके इससे आप एनकरेज होते हो और आपके आप प्रतियोगिता में किस तरह से आप और अच्छा करने का सोचते हो? बिल्कुल जी बिल्कुल, देखो हमारे जो प्रधानमंत्री जी वो भी अगर हमारी चीयर कर रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है, हम एक खुद एक बहुत छोटे घराने से निकल के आ रहे हैं और इतना बड़ा हमारे मंत्री जी जो हमारे को मतलब चीयर कर रहे हैं कि भाई बहुत बढ़िया और बहुत देश के नाम रोशन करना, बहुत आगे जाना है, तो मतलब यकीन बताऊं कल मैं मेडल जीता तो उसके बाद हमारी मेरी बात भी हुई सर से, तो मतलब यकीन नहीं हुआ मेरे पास फोन आया, मैं खुद मतलब इतना वो था, तो उन्होंने उनका बहुत ही ज्यादा रोल है और बहुत ही मिलती है कि देखो हमारा इतना सपोर्ट हो रहा है तो और भी ज्यादा मेहनत करनी है अगली बार देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है जी। बिल्कुल रवि आप हमारे सच्चे हीरो हैं, हमारे नायक हैं, और देश जो है वो आपके खेल को फॉलो कर रहा है, आपके फिजिक को फॉलो कर रहा है, हमारे स्टूडियो में भी चर्चा हो रही है आपकी फिजिक की, आपकी बॉडी की, बॉडी बिल्ड की, किस तरीके से उसको बिल्कुल फिट रखने के लिए आप काम करते हैं रवि? देखो जी ये तो तैयारी है करते हैं जी, देखो रेसलिंग है हम क्या बता सकते, सुबह से सुबह उठते हैं 5 बजे उसके बाद ट्रेनिंग करते हैं, लगभग 8-9 का टाइम हो जाता है, उसके बाद जी नहाना धोना खाना पीना, फिर दिन में 1-2 घंटा रेस्ट करते हैं, फिर शाम को फिर ट्रेनिंग करते हैं लगभग 5 बजे लेकर 7:30 बिल्कुल, फिर शाम को नहाना धोना,
यही कंटिन्यू शेड्यूल हमारा, कोई ज्यादा चेंज होता है। तो रोज का अनुशासन है जो आपको पदक तक लेकर गया। रवि बहुत बहुत शुक्रिया, आप देश के गौरव है, हमारे साथ जुड़े, इतनी सारी बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ गौरव भी जुड़े, नारायण भी, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं ताजा खबर। पेगासस और किसानों के मुद्दे को लेकर लोकसभा में आज भी हंगामा जारी रहा। पेगासस की जांच की मांग को लेकर कांग्रेसी और अन्य विपक्षी दल वेल में आ गए और हंगामा करते रहे। इससे लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई। इस वजह से लोकसभा अध्यक्ष ने लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही अब सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हंगामे के बीच लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कराधान विधि संशोधन विधेयक 2021 चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। दिस रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स वॉज ब्रॉट इन एज अ क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट कीप अप द वर्ड गिवन बाय द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी कीपिंग अप द कमिटमेंट ऑफ बीजेपी that we don't believe in retrospective application of tax. We are fulfilling that word. जो वाद हमने वायदा जो हमने दिया है इस गरिमामय सदन में उसको पूरे करने के लिए आज ये कानून का अमेंडमेंट ले आ रहे हैं। और हंगामे के बीच ही इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन बिल भी लोकसभा से पास हुआ। आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 76 वर्ष पहले जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की घटना का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस घटना में दोनों शहरों में हजारों लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग अपंगता के शिकार हुए थे। इसके कारण हुए परमाणु विकिरण के दुष्प्रभाव से आज भी लोग जूझ रहे हैं। 1945 को क्रमश हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे, जिसके कारण दोनों शहरों में हजारों लोग मारे गए थे तथा लाखों लोग घायल और जीवन भर के लिए अपंग हो गए थे। इस घटना ने पहली बार विश्व को परमाणु बम की विनाशकारी ताकत से परिचय कराया था। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी के निवासी उन हमलों में हुए परमाणु विकिरण के दुष्प्रभावों को झेल रहे हैं। आइए आज के दिन हम नरसंहार के हथियारों को नष्ट करने तथा विश्व में शांति और भाईचारे के प्रचार प्रसार हेतु एक साथ मिलकर काम करने के अपने संकल्प को सुदृढ़ करें। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही की आज फिर से बाधित हुई है। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे स्थगित कर दी गई, उसके बाद सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के द्वारा किसानों के मुद्दे पर 9 स्थगन के नोटिस दिए गए थे, जिसे सभापति ने खारिज कर दिया और कहा कि इन दोनों मुद्दों पर अल्पकालिक चर्चा कराई जा सकती है। विपक्ष सरकार के साथ तय करे कि वे इन दोनों मुद्दों पर अल्पकालिक चर्चा कब कराना चाहता है। और सदन में आज की कार्यवाही पर ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय विक्रम जुड़ रहे हैं। अजय, आज भी हंगामे के कारण अहम जो चर्चा है, विमर्श है, नहीं हो सका और उसके बाद सोमवार तक के लिए सदन जो है स्थगित करना हुआ। जी बिल्कुल रजनी, आज तो प्रश्नकाल भी दोनों सदनों में बहुत ही, लोकसभा में बहुत थोड़ी देर चला और राज्यसभा में बहुत थोड़ी देर चला, और उसके बाद आज कई निजी विधेयक पेश किए जाने थे, शुक्रवार का दिन होता है, वो वक्त ही नहीं आया और दो घंटे भी सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई। अगर हम बात करें दोनों सदनों की, 20 से 25 मिनट से ज्यादा कार्यवाही नहीं चल पाई। ये तमाम कोशिश की गई सरकार की तरफ से, और राज्यसभा में तो आज एक स्टेप आगे बढ़कर सभापति ने ये साफ तौर पर कहा कि किसानों सहित तमाम मुद्दों पर वो शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस स्वीकार करने को तैयार है, शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा हो सकती है, लेकिन स्थगन की बात पर विपक्ष खड़ा रहा। वो स्थगन करके पूरे जो दिन भर की कार्यवाही स्थगित करके चर्चा कराना चाहता है, ये शुरू से ही विपक्ष का एक स्टैंड रहा है। तो एक बड़ा मौका था, शॉर्ट ड्यूरेशन पर चर्चा करके विपक्ष अपनी बात रख सकता था। जो सभापति थे उन्होंने यहाँ तक कहा कि अपना समय भी तक कर लीजिए और बात करके हमको बताइए कि आप किस तरह से चर्चा चाहते हैं, लेकिन उसका कोई रास्ता नहीं निकल पाया।
लोकसभा में भी हंगामा होता रहा, हंगामे के बीच में प्रश्नकाल कई मंत्रालयों से संबंधित प्रश्नकाल होने थे लेकिन तीन ही मंत्रालय के प्रश्नकाल हो पाए, महिला बाल विकास और स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा एक छोटा सा सवाल था उस पर बात हो पाई। तो इस लिहाज से अगर हम बात करें तो आज का दिन प्रोडक्टिविटी के लिहाज से काफी कम रहा, लेकिन दो ऐसे कानून थे लोकसभा में जो पारित हो गए। कल जो टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल है वो कल पेश किया गया था, उस पर बिना चर्चा के ध्वनिमत से उसको पारित कर दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण रजनी ये विधेयक है। अच्छा मैं देख रहा था नवनीत की आंख पर कुछ चोट आई है। हाँ जी कल उसको चोट आई थी, उसको 4 स्टिचेस लगे हैं। तो अरे बाप रे, मैं देख रहा था उसको काफी, अभी ठीक है उसकी आंख को तो कोई तकलीफ नहीं हुई है ना? और वंदना वगैरह सब बहुत बढ़िया किए आपने, और सलीमा के तो सबको लगा है कि भाई सलीमा तो बहुत कमाल कर देती। थैंक यू सो मच। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए देश आज आपका पर गर्व कर रहा है, बिल्कुल निराश नहीं होना है। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है, आपके लोगों की मेहनत से हो रही है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर योर वर्ड्स एंड द गर्ल्स आर वेरी इमोशनल एट द मोमेंट एंड आई थिंक दे विल बी। Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. And I also told the girls they inspired the nation, and I think that is something very important and they have to cherish. Thank you for your support. Thank you. Thank you. Thank you very much. Namaste. और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, आपने इतना इनकरेज किया हमारी टीम को, सो थैंक यू सो मच। और निराश बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा मैं देख रहा था नवनीत की आंख पर कुछ चोट आई है। हाँ जी कल उसको चोट आई थी, उसको 4 स्टिचेस लगे हैं। तो अरे बाप रे, मैं देख रहा था उसको काफी, अभी ठीक है उसकी आंख को तो कोई तकलीफ नहीं हुई है ना? और वंदना वगैरह सब बहुत बढ़िया किए आपने, और सलीमा के तो सबको लगा है कि भाई सलीमा तो बहुत कमाल कर देती। थैंक यू सो मच। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए देश आज आपका पर गर्व कर रहा है, बिल्कुल निराश नहीं होना है। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है, आपके लोगों की मेहनत से हो रही है। Thank you very much, sir. Thank you for your words. And the girls are very emotional at the moment. And I think they will be. You have also tried your level best. And I can see that how they are encouraging the girls. And we are thankful to you. Thank you very much, sir. And wish you all the best for the future. Thank you very much, sir. And I also told the girls they inspired the nation. And I think that is something very important and they have to cherish. Thank you for your support. Thank you. Yeah.
तो प्रधानमंत्री ने यहाँ पर भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों से बात की है, उनकी पीठ थपथपाई है, उनकी हौसला अफजाई की है। क्या हुआ कि अगर टीम में कांस्य पदक से चूकी है लेकिन टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है ओलंपिक में। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुधाकर जुड़ रहे हैं। सुधाकर, अपनी खिलाड़ियों की पीठ थपथपाई है, टीम के आंसू यहाँ पर नहीं रुक रहे थे, लेकिन फिर भी कहा है कि आप बहुत अच्छा खेले। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, और ये जो लड़कियों ने मेहनत की है, भले ही एक वो मैच हारे हैं लेकिन उन्होंने 130 करोड़ देशवासियों का दिल जीत लिया, और यही एक भावना प्रधानमंत्री मोदी की थी। और भले ही खिलाड़ी फूट फूट कर रो रहे थे लेकिन प्रधानमंत्री ने उनका जिस तरह से हौसला बढ़ाया, बेहद ही एक तरह से कह सकते हैं ये बातचीत हम लोगों के लिए संवेदनशील करने वाला था। एक तरह से भावुक बड़े पल थे जब पीएम मोदी खुद उनसे बातचीत कर रहे थे और एक तरह से उनकी पीठ थपथपा रहे थे। जिस तरह से मेहनत करके उन्होंने इस ऊंचाई पर महिला हॉकी को, एक तरह से देश भर की हॉकी को पहुंचाया, और लगातार पीएम मोदी ये बात कह रहे हैं कि ये जो बेटियां हैं उन्होंने न सिर्फ खेल में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, देश का नाम रोशन किया है, बल्कि देश भर की बेटियों को वो प्रेरित कर रहा है। तो ये एक बड़ी भावना है और ये एक बड़ी बात है। देश भर की बेटियां चाहे खेल में हो या किसी और क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है, उनको प्रेरणा मिलेगी बेटियों से। उन्होंने हालचाल भी जाना, एक खिलाड़ी जिनको चोट लगी थी, बताया भी गया कि उनको 4 स्टिच लगे हैं। तो देखिए किस तरह की किस जज्बे के साथ ये तमाम खिलाड़ी खेले, और निश्चित तौर पर इस मुकाम पर पहुंचने के बाद अगर मेडल फिसलता है तो उसका दुख और गम जरूर होता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री जैसी शख्सियत, नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत आपकी पीठ थपथपाते हैं, आपका हौसला बढ़ाते हैं, तो निश्चित तौर पर एक तरह से वो गम के आंसू खुशी के आंसू में भी बदल जाते हैं कि आपकी मेहनत को प्रधानमंत्री सराह रहे हैं, देश सराह रहा है, और देश के लोग आपका इंतजार भी कर रहे हैं। जी जी सुधाकर, जब कोई खिलाड़ी जीतता है बड़े मंच पर तो बधाइयों का तांता लग जाता है, ट्वीट होते हैं, उन्हें पुरस्कारों की घोषणा होती है, लेकिन जब हारता है तो उसका दिल टूटता है, देश का दिल भी टूटता है। लेकिन यहाँ आज प्रधानमंत्री ने, ठीक है टीम कांस्य पदक से चूकी, लेकिन जिस तरीके से उनका ढांढस बधाया है, उनका हौसला बढ़ाया है कि आप अब भी हमारी नायिकाएं हैं, एक तरीके से ये बयां करता है कि देश में खेलों का पूरा परिदृश्य अब बदल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, और इससे खेलों में जाने से पहले तमाम खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की थी और उनको यही कहा था, हार और जीत अपनी जगह है, लेकिन एक तरह से अपना 100% देना, स्पिरिट के साथ खेलना वो ज्यादा जरूरी है। और सिर्फ महिला हॉकी टीम नहीं, कई और खेलों में जो खिलाड़ी बस थोड़ी सी एक तरह से कह सकते हैं बहुत कम अंकों की वजह से पदकों से चुके हैं, उनके भी खेल को प्रधानमंत्री ने उसी तरह सराहा, उनसे बातचीत करके उनका हौसला बढ़ाया। कल भी उन्होंने पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों से बातचीत की थी, उन्होंने तो प्रधानमंत्री ने आज महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों से बातचीत की है, उनकी पीठ थपथपाई है, उनका हौसला बढ़ाया है। खिलाड़ी रो रही थी, उन्हें दुख था कि वे देश के लिए पदक नहीं जीत पाए, लेकिन बावजूद उसके प्रधानमंत्री ने उनकी हौसला अफजाई की है। भारतीय महिला टीम के कोच से भी उन्होंने बात की, उनका शुक्रिया अदा किया, और टीम को यहां तक लीड करने के लिए उनकी भी पीठ थपथपाई है। सुधाकर हमारे साथ जुड़े हुए थे, सुधाकर आपका शुक्रिया। तो यहां पर प्रधानमंत्री ने भारतीय महिला हॉकी टीम के साथ बातचीत की, उन्हें देश की प्रेरणा बताया है। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। और भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की उसने घोषणा की है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति के प्रस्तावों को जारी किया। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के नीतिगत दर रेपो में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस दौरान उन्होंने कहा कि रेपो रेट बिना किसी बदलाव के साथ 4% रहेगी। बेस्ड ऑन एन असेसमेंट ऑफ द इवॉल्विंग डोमेस्टिक एंड ग्लोबल माइक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कंडीशंस एंड आउटलुक, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 4%. The MPC also decided on a 5-1 majority to continue with the accommodative stance as long as necessary
to revive and sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy while inflation remains within the target going forward. शक्तिकांत दास ने कहा कि MSF रेट और बैंक रेट बिना किसी बदलाव के साथ 4.25% रहेगा, वहीं रिवर्स रेपो रेट भी बिना किसी बदलाव के साथ 3.35% पर रहेगा। The marginal standing facility, that is MSF rate and the bank rate remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate also remains unchanged at 3.35%. RBI गवर्नर ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने मौद्रिक नीति के मामले में उदार रुख बनाने का फैसला किया है। हमारे कदम का लक्ष्य वृद्धि को गति देना और अर्थव्यवस्था में संकट को दूर करना है। RBI ने चालू वित्त वर्ष में GDP वृद्धि दर का अनुमान 9.5% पर बरकरार रखा है। At 9.5% for 2021-22, and this consists of 21. तो प्रधानमंत्री ने आज भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों से बात की है, उनकी पीठ थपथपाई है, उनकी हौसला अफजाई की है। यही दृश्य आपके सामने हम दिखा रहे हैं। 5-6 साल से सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप इसी में एक साधना कर रहे थे, आपका पसीना बदल नहीं ला सका, लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, आपने इतना इनकरेज किया हमारी टीम को, सो थैंक यू सो मच। और निराश बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा, मैं देख रहा था नवनीत की आंख पर कुछ चोट आई है। हाँ जी, कल उसको चोट आई थी, उसको 4 स्टिचेस लगे हैं। तो अरे बाप रे, मैं देख रहा था उसको काफी, अभी ठीक है, उसकी आंख को तो कोई तकलीफ नहीं हुई है ना? और वंदना वगैरह सब बहुत बढ़िया किए आपने, और सलीमा के तो सबको लगा है कि भाई सलीमा तो बहुत कमाल कर देती। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है। बिल्कुल निराश नहीं होना है। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है, आपके लोगों की मेहनत से हो रही है। Thank you very much, sir. Thank you for your words, and the girls are very emotional at the moment, and I think they will be. You are also trying your level best, and I can see that how you are encouraging the girls, and we are thankful to you. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. And I also told the girls they inspired the nation, and I think that is something very important and they have to cherish. Thank you for your support. लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, आपने इतना इनकरेज किया हमारी टीम को, सो थैंक यू सो मच। और निराश बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा, मैं देख रहा था नवनीत की आंख पर कुछ चोट आई है। हाँ जी, कल उसको चोट आई थी, उसको 4 स्टिचेस लगे हैं। तो अरे बाप रे, मैं देख रहा था उसको काफी, अभी ठीक है, उसकी आंख को तो कोई तकलीफ नहीं हुई है ना? और वंदना वगैरह सब बहुत बढ़िया किए आपने, और सलीमा के तो सबको लगा है कि भाई सलीमा तो बहुत कमाल कर देती। Thank you.
थैंक यू सो मच. आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है. देखिए देश आज आपका पर गर्व कर रहा है, बिल्कुल निराश नहीं होना है. और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है, आपके लोगों की मेहनत से हो रही है. Thank you very much, sir. Thank you for your words. And the girls are very emotional at the moment. And I think they will be. You have also tried your level best. And I can see that how you are encouraging our girls. And we are very happy to hear the news because this is the right time. You tried your level best. प्रधानमंत्री ने कोच से कहा कि आपने अपनी सीमा से परे जाकर देश के लिए और देश की लड़कियों को आगे तक पहुंचाया. हमारे साथ सुधाकर फिर जुड़ गए हैं. सुधाकर, ये भारतीय हॉकी टीम जो है वो एक बदलते भारत, नए भारत की तस्वीर कहती है. जहां पर ये लड़कियां वहां पहुंची हैं जहां संघर्ष की एक नई कहानी सफलता में बदलती हुई दिखती है, और प्रधानमंत्री इन्हीं नायिकाओं का हौसला बढ़ा रहे हैं. जी बिल्कुल. देखिए रजनी, आज मैच के ठीक बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके भी ये कहा था कि हम महिला हॉकी में पदक से बहुत कम चुके हैं, लेकिन एक तरह से ये न्यू इंडिया की जो भावना है उसको दर्शाता है, जहां हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हैं, नए मोर्चे बनाते हैं. लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि टोक्यो में उनकी सफलता भारत की युवा बेटियों को हॉकी अपनाने और उसमें उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित करती रहेगी. तो इस टीम पर हमको गर्व है. और यही बात जब उन्होंने इन हॉकी खिलाड़ियों से बातचीत की तो यही बात दोहराया. देखिए दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है रजनी, प्रधानमंत्री इतनी दूर से उनसे बातचीत कर रहे थे फोन पर, लेकिन वो जो इमोशनल भाव है उसको भी उन्होंने महसूस किया. उन्होंने कहा कि रोना नहीं है, निराश नहीं होना है, आपने हम सबको गौरवान्वित किया है. और हॉकी के लिए जिस भारत की पहचान होती थी उस पहचान को एक तरह से वापस दिलाया. तो ये बात प्रधानमंत्री ने कहा, और निश्चित तौर पर ये इन तमाम खिलाड़ियों के. और हमारे साथ हमारे खेल संवाददाता मुकेश शुक्ला भी जुड़ गए हैं. जी मुकेश, एक बहुत बड़ा पल है ये भारतीय हॉकी टीम के लिए. प्रधानमंत्री ने खुद हॉकी की नायिकाओं से बात की है, उनकी पीठ थपथपाई है कि क्या हुआ आप पदक नहीं जीते, लेकिन अब भी आप देश की नायिकाएं हैं. हाँ बिल्कुल रजनी, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने अभी उनसे कुछ देर पहले ही बात करी और उनका हौसला बढ़ाया, भले ही ये एक हार थी लेकिन उन्होंने जो सर देश का गौरव से ऊंचा किया है, जिस तरह से उन्होंने जाबाजी से इस मुकाबले में लड़ाई लड़ी, पिछड़ने के बाद वापसी करी, शानदार खेल का प्रदर्शन किया, सभी उनकी तारीफ कर रहे हैं. खुद कोच ने भी कहा था कि भले ही ये एक हार हो लेकिन 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का जो सर है उन्होंने फख्र से ऊँचा किया. और जिस जज्बे के साथ आज खेली, आप देखिए देश के प्रधानमंत्री जब बात कर रहे थे तो उनकी एक एक खिलाड़ियों पर नज़र थी, सबके बारे में वो जानते थे, बताया कि किसको चोट लगी है और किसने किस तरह से अपने रोल को बखूबी अंजाम दिया. वंदना कटारिया की उन्होंने बात करी, वहां पर सविता की बात करी. तो ये तो तमाम खिलाड़ी हैं जो लगातार करते हैं. रानी रामपाल, जिस शानदार तरीके से उन्होंने टीम का नेतृत्व किया, तो बड़ा ये दिन होता है देश के लिए. और जब खुद देश के प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से बात करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ता है. और एक ये हार है, उन्होंने सिर्फ बताया कि इस हार से आगे निकल करके जाना है. 2016 जब आप खेल रहे थे, यही ग्रेट ब्रिटेन थी जिसने स्वर्ण पदक जीता था, भारत का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था उस 2007 के ओलंपिक की बात करें. लेकिन 2021 का ये जो 2020 रियो ओलंपिक, जब यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक शुरू हुआ और जिस तरह से शुरुआती मुकाबले रजनी ये हार गए थे, 3 मैच हारने के बाद किसी ने सोचा नहीं था कि ब्रॉन्ज मेडल के लिए ये पहुंचेंगे. तो जो वहां से उन्होंने कमबैक किया और लगातार उस कमबैक से अपने संघर्ष से उन्होंने ना केवल खेल फैंस का दिल जीता, अभी वीरेंद्र सहवाग ने भी एक ट्वीट किया था कि आपने सभी का असर गौरव से ऊंचा कर दिया, तो तमाम खेल प्रशंसक बहुत ज्यादा खुश हैं. और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने उनका हौसला बढ़ाया, खुद कोच ने कहा कि लड़कियों कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराश है क्योंकि बड़ा मैच था, ब्रॉन्ज मेडल जीत सकते थे अच्छे चांसेस से, जब कमबैक किया. कहीं ना कहीं यह गेम का दिन होता है कि आप कौन से समय पे कहां चूक कर जाते हैं, लेकिन ओवरऑल प्रदर्शन शानदार था. जी, और अर्जुन को आगे बढ़ाने में द्रोण की हमेशा भूमिका रहती है. अगर इस भारतीय टीम की कोच की बात करें, शॉन मरीन की बात करें, किस तरीके से उन्होंने लड़कियों को प्रेरित किया है, आगे बढ़ाया है.
बिल्कुल, कोच का जो रोल होता है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जिस तरह से आप देखिए एमपी कौशिक साहब पहले इनके कोच थे, उसके बाद मरीन कोच बने, और जिस तरह से उन्होंने पूरी टीम को यहाँ पर कंपाइल किया, जिस तरह से उनका नेतृत्व किया, उनकी बारीकियों पे काम किया, जो आप देखिए जो खिलाड़ी हैं इंटरनेशनल स्तर पर जब आप परफॉर्म करते हैं, जब आप विश्व की चुनिंदा टीमों के साथ सामना करते हैं, आपने वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को हराया जो 3 बार की ऑलरेडी चैंपियन थी, ओलंपिक चैंपियन थी, उसको हराया, और आपने जिस तरह से कम बैक किया, साउथ अफ्रीका को हराया, आपका जो मुकाबला आज का था आप देखिए वहां पर भी आपने जब वापसी करी तो इतनी दमदार करी कि डिफेंस थोड़ा सा ब्रिटेन ने अपना लास्ट में मजबूत किया होता तो निश्चित तौर पर भारतीय जो हॉकी प्लेयर्स प्ले थे वो कहीं ना कहीं सेंध लगाने में कामयाब हो जाते। तो ये दिखाता है कि आपने कितने स्किल्स पे उनके काम किया, किस तरह से उनको नरिश किया, किस तरह से उनके टेम्पो को बनाए रखा, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जब ग्राउंड में खेल रहे होते हैं तो ये आज का स्किल्स है, इसके लिए बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो परिणाम है वो साफ तौर पर दिखाते हैं कि 4-3 का मुकाबला कितना टफ हो गया था ग्रेट ब्रिटेन के लिए, कहीं ना कहीं उनके भी पसीने छूट गए थे कि भारतीय टीम इस जज्बे के साथ खेल रही है, इस जिगर के साथ खेल रही है। तो बड़ी बात है कोच की, बड़ी बात है देश के प्रधानमंत्री की, जिस तरह से उन्होंने सराहना की, कोच ने खुद लीड लिया, और जिस तरह से पूरी की पूरी टीम को उन्होंने ना केवल उनका हौसला बढ़ाया, उन्होंने अपने बच्चों को भी लिखा था, क्योंकि बहुत शुरू में ये लग रहा था कि शायद अब ये वापस चले जाएंगे, हार जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा भाई आप और इंतजार करिए, भारतीय टीम के अभी जश्न का दौर शुरू हुआ है, और यहाँ तक टीम को लेकर के आए। बिल्कुल, जश्न का दौर शुरू हुआ है, और मुकेश जिस महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, अब भारत में खेल, ये भारतीय हॉकी टीम उसी महिला सशक्तिकरण की बानगी बन गई है। बिल्कुल रजनी, आप देखिए इस ओलंपिक में प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, मीराबाई चानू ने पहला ओपनिंग किया, उसके बाद लवलीना ने देश के लिए पदक जीता, फिर हॉकी की जो ये महिला टीम है इन्होंने कितना अच्छा प्रदर्शन किया, तो सब साफ आपको दिखने को मिल रहा है कि किस तरह से पीवी सिंधु ने प्रदर्शन करके देश को पदक दिलाया, 2 बार उन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता। तो नारी शक्तिकरण की जो हम बात करें, जिस तरह से उन्होंने अपनी एडवांटेज को आगे लेकर के आए, दिखाया कि किसी भी विभाग में उन्हें मौका मिलेगा तो वो बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जो हमारे कंटेस्टेंट थे भले हार गया, सीए भवानी को देखो पहली बार फेंसिंग में उन्होंने क्वालिफाई किया, जिमनास्ट के एरेना से एक प्लेयर हमारे पास आई, तो बहुत ही अच्छा आप देखिए ओलंपिक हुआ, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हुआ, खिलाड़ियों ने अपने जी जान से प्रदर्शन किया, जो महिला टीम थी उन्होंने लीड लिया, उन्होंने जिस तरह से पहले दिन देश को पदक दिलाया था तो वहीं से एक आपको मिलने लगा था सिल्वर लाइन मिल जाती है कि यार यहां से अब एक मोमेंटम बन गया है, इसको आगे लेकर के जाना, और उसका कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट देखने को आया। छोटे मोटे अगर आप देखें अमेरिका में अपने उस रिजल्ट से खुश नहीं थी, नहीं तो उनका भी ब्रॉन्ज या सिल्वर के लिए वो टाइट। और आपको बताऊं अभी देखो अदिति अशोक जो है वो भी गोल्फ में कंटेस्ट कर रही है, वो सेकंड पोजीशन में, कल मुकाबला नहीं होता तो वहां से भी सिल्वर और ब्रॉन्ज मिलने के लिए पूरी की पूरी संभावना है, यानी भारत 6-7 पदक निश्चित तौर पर लेकर के आएगा। बजरंग पुनिया का अब से कुछ देर बाद सेमीफाइनल शुरू हो जाएगा, तो एक अच्छा ओलंपिक देखने को मिला, जिस तरह से महिला टीम ने लीड की है, जिस तरह से महिला टीम ने सबसे पहले खाता खोला देश के लिए पदक तालिका में, तो वहां से जो शुरुआत हुई और वो सिलसिला चलता जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो देश के प्रधानमंत्री ने, देश के जननायक ने आज बातचीत की है देश की खेल नायिकाओं के साथ, और यहाँ से परिदृश्य बदलेगा, जो जीता वही सिकंदर ही नहीं, जो खेला वो भी सिकंदर होगा, और देश के सिकंदर अब वापस लौट रहे हैं पदक जीत कर या फिर बेहतरीन खेल कर, तो देश और देश के प्रधानमंत्री उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। तो आज मिड डे प्राइम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।